आज भी पार्टी के विरोध में रुड़की में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और राहुल गांधी के मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कांग्रेस देश का माहौल खराब कर रही है, केरल में जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि वीडियो वायरल हो जाने से देश में कांग्रेस की सच्चाई सामने आ गई है। बीफ पार्टी का आयोजन भी कांग्रेस के नेताओं ने ही किया था, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसे नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। बहुत ही हमारा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो गो हत्यारों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। आपने देखा केरल में कैसे खुलेआम गो माता का, छोटे छोटे बच्चे के जो गौ माता के जो बच्चे होते हैं उनका सर काट के कांग्रेस के लीडर भी पार्टी कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी के लीडरों ने इस देश में रहने का हक खो दिया है। ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति के माध्यम को, अगर उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं करी ऐसे लोगों पे लाठी लगनी चाहिए। गो हत्या के जिन्होंने गो हत्या की है उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो एक कांग्रेस पार्टी है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से चलती है, बिना उनकी मर्जी बिना उनके इजाजत के पत्ता भी नहीं ले सकता। ये रचा रचाया खेल राहुल गांधी का है, उनके परिवार का है, उनके बिना ये खेल नहीं हो सकता। गौरतलब है कि जहां एक ओर पूरे देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं का वीडियो वायरल होने के बाद देश में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने तीनों ही नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया है, लेकिन अभी भी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान की रिपोर्ट।